मुझे कोई लगने या लगाने की बात नहीं है। लैंगिकता जो लैंगिकता होती है ये मेरे जिंदगी की पहचान है और ये हर एक व्यक्ति की पहचान होती है कि वो पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, वो उनकी स्वयं की स्वीकार्यता का पहचान है। और स्वयं की स्वीकार्यता की पहचान के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, नालसा का जजमेंट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप कानून को नहीं मानते हैं तो आप इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हो कि ट्रांसजेंडर को जाति के रूप में मान रहे हो। तो जब पिछड़ा वर्ग में आपने जातीय आरक्षण हमें दिया था तो हमें लग रहा था कि ये पिछड़ा हमें समझ करके दिया था, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि आप हमें जाति के रूप में निरूपित कर रहे हो कि ट्रांसजेंडर भी एक जाति है। ट्रांसजेंडर कोई जाति नहीं है, ये लैंगिकता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कर्नाटक राज्य सरकार को जाकर के स्टडी करने की जरूरत है। मैं सहयोग करूंगी, मेरे ट्रांसजेंडर साथी मेरे नेशनली, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर और एक लोकल स्तर के व्यक्ति भी आपको सहयोग कर सकते हैं। आपको कर्नाटक जाकर के दिखा सकते हैं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि उन्होंने 1% सेपरेट रिजर्वेशन दिया है और उस सेपरेट रिजर्वेशन से वो अपने जीवन के अधिकार के लिए आज़ादी पा रहे हैं। तो मैं तो पहले इस पे बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सभी के पास में जाकर के प्रतिवेदन दूंगी। यदि कोई सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय से न्याय के लिए हम स्वतंत्र हैं। न्यायालय भी जाएंगे निश्चित तौर पर, न्यायालय जाने का लिए हम प्रयास करेंगे क्योंकि ये लैंगिकता के इतिहास को खत्म करने का स्थितियाँ हैं।